एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शारदास किचन। आज मैं बना रही हूँ यूनिक और इजी थाली रक्षाबंधन के लिए, जिसको आप सिर्फ एक घंटे में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुलचा बनाने के लिए मैं मैदा गूंथ लूंगी, जिसके लिए आधा कप गर्म पानी में ऐड करूंगी 1 टीस्पून चीनी। मिक्स करेंगे और चीनी को मेल्ट हो जाने तक वेट करेंगे। 1 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। ईस्ट एक्टिवेट हो चुकी है। आधा किलो मैदा, 1 टीस्पून नमक मिक्स करेंगे। ईस्ट का पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। इस मैदे को हमें ज़्यादा गूंथना नहीं है, सिर्फ एक जगह पर लाएंगे। डेल मोंटे का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल लगाकर मैदे को रख देंगे 40 से 50 मिनट के लिए। राइस बनाने के लिए पानी गर्म करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून तेल, खड़े गर्म मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्टार एनीस, जावित्री, लौंग, दालचीनी, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता मिक्स करेंगे। आधा किलो देहरादून राइस को मैंने सिर्फ धोकर 5 मिनट के लिए भिगो कर रख दिए थे। उसके बाद इसके पानी के साथ ही हम इसे बॉयल कर लेंगे, जिससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए। राइस को पका लेंगे। तब तक हम बटर पनीर और बटर चिकन का मसाला तैयार कर लेंगे। 3 टेबल स्पून तेल, थोड़ा सा ही नमक, 2 टेबल स्पून काजू, हल्की ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर 5 प्याज, 1 टमाटर, 1 इंच बराबर अदरक और 10 से 12 लहसुन के कलियाँ ले लिए हैं, जिनको रफली चॉप कर लिए हैं। इनको हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इनका एक पेस्ट बना लेंगे। राइस भी पक चुकी है, राइस को छान लेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून तेल गर्म कर लिए हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ नमक, 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब, 1 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून शाही जीरा, 2 टेबल स्पून घी, गाजर, कैप्सिकम और बीन्स तीनों मिलाकर 1.5 कप के करीब है, 1 टेबल स्पून किशमिश, 1 टेबल स्पून काजू। मिक्स करेंगे, सॉफ्ट हो जाने तक इनको फ्राई कर लेंगे। बॉयल की हुई राइस को बैचेस में ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी फ्राइड राइस बन चुकी है। इसको साइड में रख देंगे और बना लेंगे बटर पनीर, जिसके लिए 3 टेबल स्पून तेल गरम कर लिए है, 1 टेबल स्पून मक्खन, थोड़ा सा ही नमक, 200 ग्राम पनीर। पनीर को मैं हल्की ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी ग्रेवी बना सकते हैं। इनको मीडियम फ्लेम पर ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे और उठा लेंगे। 1 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून शाही जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और प्याज, अदरक, लहसुन, फ्राई की हुई जो मसाला है उसी का ही मैं 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ बटर पनीर बनाने में, और बाकी का बना लूँगी मैं बटर चिकन। एक ही मसाले लिए हैं, जिससे कि ये ज़्यादा जल्दी हो जाए। मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 टेबल स्पून दही, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ही पानी मिक्स करेंगे और इसको तेल छोड़ जाने तक पका लेंगे। 2 टीस्पून के करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 कीवी पनीर ऐड करेंगे। पनीर को मसालों के साथ 1 मिनट के लिए भून लेंगे और इनमें जैसी ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से ही पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे।
हाई फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आखिर में अमूल का फ्रेश क्रीम, आप चाहे तो दूध के ऊपर जमी हुई मलाई भी ले सकते हैं, और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा और मक्खन मिक्स करेंगे। क्विक और इजी बटर पनीर बन चुकी है, इसको साइड में रख देंगे। बना लेंगे बटर चिकन, जिसके लिए 4 से 5 टेबल स्पून तेल गर्म कर लिए है। इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 टीस्पून बटर, 1 तेज पत्ता, 1/2 टीस्पून शाही जीरा। एक बार मिक्स करेंगे। 1 किलो ले रही हूँ विग बोन चिकन, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही क्विक और इजी तरीके से बटर चिकन बनाए हैं, जिसमें मैंने कोई भी मैरिनेट नहीं किए है चिकन को, आप चाहे तो मैरिनेट करके भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और चिकन का कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 टेबल स्पून दही, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर का फ्राई की हुई पेस्ट मिक्स करेंगे और पानी छोड़ जाने तक पका लेंगे। आखिर में अमूल का फ्रेश क्रीम, कसूरी मेथी, बहुत ही क्विक और इजी बटर चिकन बन चुकी है, इसको भी अब साइड में रख देंगे। नेक्स्ट बना लेंगे फ्रूट कस्टर्ड, जिसके लिए 1/2 लीटर दूध ले रही हूँ, 3 टेबल स्पून चीनी। मिक्स करेंगे और एक बॉयल आ जाने तक पका लेंगे। पहले से उबला हुआ ठंडा दूध में ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, मिक्स करेंगे। कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने तक पका लेंगे। कस्टर्ड को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद करेंगे फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर फ्रूट्स में ले लिए हैं केला, आम, अनार और सेब। 1 टेबल स्पून करके काजू और किशमिश मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड को रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। मैंगो मिल्कशेक बनाने के लिए 1 कप ले रही हूँ आम, 2 टेबल स्पून चीनी, 1 ग्लास चिल्ड दूध। अब इसको बस ब्लेंड करेंगे और सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा ही क्रश की हुई पिस्ता। चॉकलेट फज बनाने के लिए 1/2 कप ले रही हूँ दूध, 2 टेबल स्पून चीनी, मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून अमूल का फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा ही मक्खन। दूध को थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने तक पका लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। 1/2 कप डार्क चॉकलेट कंपाउंड मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। माइक्रोवेव बर्तन में निकाल लेंगे, जिसमें मैंने पहले से ही बटर लगा लिए हैं। स्प्रेड करेंगे। ऊपर से चॉप की हुई काजू और पिस्ता प्रेस करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। आखिर में बना लेंगे पनीर कुलचा, जिसके लिए 200 ग्राम पनीर को पहले मैं ग्रेट कर लूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक या फिर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 प्याज और 1 टेबल स्पून धनिया पत्ता चॉप की हुई मिक्स करेंगे और साइड में रख देंगे। बना लेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा ही तेल लगाकर फैला देंगे। स्टफिंग 1 से 2 टेबल स्पून के करीब। अब इसको चारों ओर से जोड़ देंगे।
ऊपर का जो हिस्सा है उसको दबाकर भीतर की तरफ प्रेस करेंगे और उसको स्मूथ कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा ही कसूरी मेथी या फिर धनिया पत्ता, 1 से 2 पिंच कलौंजी और इसको बेल लेंगे। तेल लगाकर बेलेंगे तो ये इजीली हो जाएगी, चिपकेंगी नहीं। कुलचा को मैं पराठे की तरह तवा पर फ्राई कर लूँगी जिससे ये ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। 1 से 2 टेबल स्पून तेल देकर दोनों तरफ से ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे। राइस और कुलचा सलाद मैंने दे दिए हैं। दे रही हूँ बटर चिकन, बटर पनीर, फ्रूट कस्टर्ड। अचार ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये मेरी मम्मी ने बनाए थे पहले ही। चॉकलेट फज, मैंगो मिल्क शेक और पानी। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।